नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। मिस अमित आगा जो उनके 40th बर्थडे पे सेलिब्रेशन के टाइम पे था, आपने वो वीडियो देखा, आप उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? जी हाँ, इनफेक्ट मैंने आज ही मॉर्निंग में जैसे ही मेरी मतलब खुली चाय वाय पी मैंने, और नॉर्मली जैसे हम अपने स्टेटस वगैरह सब चेक करते ही हैं, तो मैंने फेसबुक पे देखा था। और पहले तो एक बार में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने उसको दोबारा से देखा। तो अब क्योंकि उसमें लोग ही ऐसे हैं कि मैंने उसे दोबारा देखा और देखते मुझे लगा कि क्या मेंटेलिटी रही होगी इनकी जिस समय उन्होंने इस तरह का केक बनाने का सोचा होगा। दूसरी चीज़, केक बनाने से पहले आप चलिए आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, पर हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम अपने बर्थडे पे मंदिर जाते हैं, अपने माँ बाप के पैर छूते हैं और अपने बच्चों के गले लगते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, प्रसाद खाते हैं। इतनी अच्छी चीज़, भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है तो हमें उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए। और सो की सीधी एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि ये वीडियो अपलोड करने के पहले या इस तरह की चीज़ें करने के पहले आपकी आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या सीख दे रहे हैं, ये आपको खुद को पता होनी चाहिए। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, यही बात बहुत बड़ी है, जिसको समझ में आए वो समझ लेगा। शिल्पा शिंदे, आप उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? शिल्पा शिंदे मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट रही है बिग बॉस में शुरू से ही, और मुझे लगता था कि वही जीतेंगी और वही जीती भी है। अगर आपको बिग बॉस में जाने का मौका मिला? मैं नहीं जाऊंगी बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्यों, ऐसा क्यों? सब रियल फेसेस आ जाते फेस करने के लिए, आप इसके लिए नहीं जाना चाहते? नहीं नहीं, देखिए अगर हम अपनी रियल आइडेंटिटी से भी वहां पर खेलते हैं, जैसे कि अभी हम शिल्पा शिंदे के बारे में आपने मुझसे पूछा, शिल्पा शिंदे मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट थी क्योंकि वो जैसे भी खेल रही थी, लोगों ने बाद में कहा कि वो गेम खेल रही थी, वो गेम ही है बिग बॉस, सब वहां पे जाके गेम ही खेलते हैं, कोई अलग तरह से खेलता है, कोई अलग तरह से खेलता है। तो शिल्पा शिंदे जिस तरह से खेल रही थी उनका एक तरीका अलग था, उन्होंने किसी को जिस लेवल पे लोगों ने उनको हर्ट किया या एक दूसरे के बारे में पीछे से बातें की है, शिल्पा शिंदे ने उतना नहीं किया। वो जितना भी खेली है बहुत डिसेंसी से खेली है और अच्छे से खेली है, पर फिर भी लोग उनके बारे में बुराई ही करते हैं, और अंदर इतना झगड़ा इतना ज्यादा होता है कि मुझमें इतना पेशेंस नहीं है कि मैं एक बार दो बार इतना सारा झगड़ा बर्दाश्त करूं। अगर मैं जाऊंगी तो फिर तो पता नहीं क्या होगा, मैं तो जाना ही नहीं चाहती। अभी रिसेंटली में एक मूवी पद्मावत जो इतनी कॉन्ट्रोवर्सी में रही है, वो अभी तक नहीं देखी? देखी। कैसी लगी आपको वो मूवी? बहुत अच्छी मूवी है, और संजय लीला भंसाली जी ने इस मूवी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और जो भी स्टोरी रही है बहुत अच्छे से उसे प्रेजेंट किया। ओके, आपको किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा अच्छी लगी? सबसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग मुझे रणवीर सिंह की लगी है। ओके, अभी रिसेंटली में अभी अर्मिता अरोड़ा का 40th बर्थडे गया है, उसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने देखा रहेगा उनके साथ केक का। हाँ हाँ हाँ, तो उस वीडियो के बारे में वो बोलना चाहती है कि इसमें क्या इस पे खान फैमिली पे भी इफेक्ट गिरेगा, उसमें मलाइका अरोड़ा भी थी। उस वीडियो के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती, आई एम सो सॉरी। थैंक यू। आपको कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी फर्स्ट सॉन्ग मिलने के बाद, उसके बाद से पहले? डिफिकल्टीज का तो ऐसा है कि आज हम किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी हो, तो डिफिकल्टीज तो फेस करना ही पड़ती है, उसके अलावा तो कुछ, उसके बिना तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज ही आती हैं, शुरू से आई हैं, पर हमेशा मेरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया है, तो डिफिकल्टीज को भी सबको वेलकम करती हूँ मैं, और सक्सेस को भी वेलकम करती हूँ। आप अपने सॉन्ग्स में खुद ही डांस खुद ही करते हैं, क्या इसके बारे में कुछ, ये हटके कुछ अलग सही है तो आप इसमें? बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये खुद सिंगिंग कर रही है, इन्होंने खुद ही परफॉर्म किया है। तो मैं ये बताना चाहूंगी, काफी सारे सिंगर्स आप लोगों ने देखा होगा कि पहले बहुत फेमस है, पहले से ही बहुत फेमस है, पर अभी भी अभी आज का टाइम ऐसा आ गया है कि हर व्यक्ति स्क्रीन पे आना चाहता है, चाहे वो सिंगर हो या कोई भी हो,
सब अपना अपना एक प्रोफाइल अलग तरह से मेंटेन करना चाहते हैं. तो सेम विद मी, अगर मैं पहले सिंगर बनूं बाद में फिर मैं फ्रंट ऑफ कैमरा हूं तो क्या है. तो मैंने सोचा कि स्क्रीन से इधर स्टार्ट करते हैं. लगता है इंडिया के नेक्स्ट पॉप स्टार आप ही हो. डांस प्लस म्यूजिक के साथ में आप ऐसे ही बरकरार रहेंगे लगता है पर्दे पे. बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा ऐसे ही बरकरार रहना चाहूंगी क्योंकि मुझ में ऑलमोस्ट दोनों टैलेंट हैं और मुझे डांस भी करना बहुत पसंद है. तो जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं अपने सॉन्ग के साथ खुद स्क्रीन पे आ पाऊँ तो डेफिनेटली आई विल लव टू. तो सॉन्ग के साथ डांस का फिर आपको ये कैसे लाइक माइंड में कैसे आपके आया कुछ ऐसा. सॉन्ग्स के साथ डांस में मैंने कहा कि मुझे डांस बहुत पसंद है. और जब हम जैसे मैं थोड़ी सी अपने मतलब की बात कर रही हूँ, जब हम किसी भी सिंगर्स को, जैसे मेरे घर वाले भी कई बार बोलते हैं कि जब आपने तो गाना गा दिया पर जब हम पिक्चराइज किसी और पे कर रहे हैं तो लोग फिर उसी आर्टिस्ट को जानते हैं न कि सिंगर को. और फिर जब मुझे सिंगर हो के बाद में स्क्रीन पे आना ही है तो मैं अपने गाने में खुद क्यों ना आऊं. तो डेफिनेटली मेरी फैमिली भी मुझे बोलती है कि खुद आओ, अगर आ सकते हो तो खुद फीचर हो जाओ. आपके देसी लव की कुछ लाइनें इधर हो जाए तो. देसी है अंदाज मेरे, देसी एटीट्यूड मेरे, देसी जलवों का ना कोई सब्स्टिट्यूट हो मेरी देसी अदा का, ऐसा है अट्रैक्शन सबके दिलों से जोड़े डायरेक्ट कनेक्शन. मेरे देसी लव का मैजिक, मेरे देसी लव का मैजिक. अवार्ड मिला आपके देसी लव के लिए, आप इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं. थैंक यू. इतना ही बताना चाहूंगी कि बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जस्ट अभी मेरे करियर की शुरुआत ही हुई है. अभी सिर्फ मेरे दो ही गाने आए हैं और फिर भी मुझे लांस अवार्ड मिला फेवरेट सिंगर के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है और आगे और अच्छा करना चाहूंगी. आपके देसी लव ने तो धूम सी मचा दी ऑटो रिक्शा में, लाइक पार्टी सॉन्ग. क्या क्या ऐसा आपने गाने से पहले सोचा था कि ऐसी कैसी थी आपकी एक्सपेक्टेशंस. जस्ट मुझे कंपोजिशन अच्छी लगी थी तो क्योंकि इसमें देसी तड़का और मतलब इंडियन मिक्स वेस्टर्न हम लोगों ने पूरा ही ओवरऑल मसाला रखा है तो मुझे लगा था कि अच्छा जाएगा सॉन्ग. आपने अभी तक बॉलीवुड में किस किस के साथ काम किया है, आपको शेयर करना चाहिए. आपके लिए फर्स्ट सॉन्ग ममता बनर्जी के साथ अपने सॉन्ग को गाना है. हाँ, मैंने इसके पहले ये सॉन्ग तो मेरा जस्ट अभी रिलीज हुआ है, इसके पहले दिसंबर 2017 में मेरा दुल्हन हैदराबादी मूवी से सॉन्ग रिलीज हुआ था जो कि मैंने ड्यूट गाया था अल्ताफ राजा जी के साथ. अभी आगे और कौन सा सॉन्ग आपका नहीं होने वाला कुछ ऐसा नया सॉन्ग. अभी तो जस्ट ये फिनिश हुआ है, अभी वर्किंग वर्क चल रहा है, वर्किंग में है काम सब. तो जब आएगा एक दो तीन महीने में तो पता चल ही जाएगा. तो ऑलमोस्ट पार्टी सॉन्ग आएगा या कुछ लाइक कोई रोमांटिक सॉन्ग आएगा कुछ ऐसा. जो मेरी तरफ से आने वाला है वो तो डेफिनेटली पार्टी ही आने वाला है, बाकी भगवान की कुछ कृपा रही कुछ और आ जाए उससे पहले तो नहीं पता. आपको ये गाने की इंस्पिरेशन किससे मिली, किससे आप इंस्पायर हुए. वैसे मेरी फेवरेट सिंगर कविता कृष्णमूर्ति जी हैं और उन्हें ही मैं अपना आइडल मानती हूँ. बाकी मैं जब पढ़ाई कर रही थी तब मैं IAS करना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो हमारा माइंड भी चेंज होता जाता है. और मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं सिंगर बनूँ तो फिर मुझे लगा कि हाँ मुझे सिंगिंग ही करनी है, तो फिर मैंने सिंगिंग में ही अपना करियर स्टार्ट किया. आपकी अब तक की जर्नी के बारे में बताइए, आपको कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी फर्स्ट सॉन्ग मिलने के बाद उसके बाद से पहले. डिफिकल्टीज का तो ऐसा है कि आज हम किसी भी फील्ड में हो कुछ भी हो तो डिफिकल्टीज तो फेस करना ही पड़ती है, उसके अलावा तो कुछ उसके बिना तो कुछ मिलता ही नहीं है. तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टीज ही आती हैं, शुरू से आई हैं, पर हमेशा मेरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया है तो डिफिकल्टीज को भी सबको वेलकम करती हूँ मैं और सक्सेस को भी वेलकम करती हूँ. आप अपने सॉन्ग्स में खुद ही डांस खुद ही करते हैं, क्या इसके बारे में कुछ ये हटके कुछ अलग सही है तो आप. बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा किया क्योंकि लोगों को लगता है कि ये खुद सिंगिंग कर रही है, इन्होंने खुद ही परफॉर्म किया है,
तो मैं ये बताना चाहूंगी, काफी सारे सिंगर्स आप लोगों ने देखा होगा कि पहले बहुत फेमस हैं, पहले से ही बहुत फेमस हैं, पर अभी भी अभी आज का टाइम ऐसा आ गया है कि हर व्यक्ति स्क्रीन पे आना चाहता है, चाहे वो सिंगर हो या कोई भी हो, सब अपना अपना एक प्रोफाइल अलग तरह से मेंटेन करना चाहते हैं। तो सेम विद मी, अगर मैं पहले सिंगर बनूं बाद में फिर मैं फ्रंट ऑफ कैमरा हूं तो क्या है। तो मैंने सोचा कि स्क्रीन से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। लगता है इंडिया के नेक्स्ट पॉप स्टार आप ही हो, डांस प्लस म्यूजिक के साथ में आप ऐसे ही बरकरार रहेंगे लगता है पर्दे पे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा ऐसे ही बरकरार रहना चाहूंगी क्योंकि मुझ में ऑलमोस्ट दोनों टैलेंट हैं और मुझे डांस भी करना बहुत पसंद है। तो जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं अपने सॉन्ग के साथ खुद स्क्रीन पे आ पाऊँ तो डेफिनेटली आई विल लव टू। तो सॉन्ग के साथ डांस का फिर आपको एक कैसे लाइक माइंड में कैसे आपके आया कुछ ऐसा? सॉन्ग्स के साथ डांस में मैंने कहा कि मुझे डांस बहुत पसंद है और जब हम जैसे मैं थोड़ी सी अपने मतलब की बात कर रही हूँ, जब हम किसी भी सिंगर्स को, जैसे मेरे घर वाले भी कई बार बोलते हैं कि जब आपने तो गाना गा दिया पर जब हम पिक्चराइज किसी और पे कर रहे हैं तो लोग फिर उसी आर्टिस्ट को जानते हैं न कि सिंगर को। और फिर जब मुझे सिंगर हो के बाद में स्क्रीन पे आना ही है तो मैं अपने गाने में खुद क्यों ना आऊं। तो डेफिनेटली मेरी फैमिली भी मुझे बोलती है कि खुद आओ, अगर आ सकते हो तो खुद फीचर हो जाओ। आपके देसी लव की कुछ लाइन इधर हो जाए तो देसी है अंदाज मेरे, देसी एटीट्यूड मेरे, देसी जलवों का ना कोई सब्स्टिट्यूट हो, मेरी देसी अदा का ऐसा है अट्रैक्शन, सबके दिलों से जोड़े डायरेक्ट कनेक्शन, मेरे देसी लव का मैजिक, मेरे देसी लव का मैजिक। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।